गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यू हैं। जल्दी से रिकवर होने के बाद आप लोगों को प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं टोटल 18 बैंगल सेट आप लोगों को लगाना सिखाऊंगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होने वाले हैं। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से मैंने ये कंट्रास्ट लिया है। अगर आपको इस कंट्रास्ट के साथ नहीं जाना और ये बैंगल सेट अच्छा लगता है तो आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट के साथ डिक्टो ऐसे ही सेट बना सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कांच की चूड़ियों के सेट कैसे लगते हैं साड़ी सूट लहंगे के लिए तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली का सिखाती हूँ। लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो में नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप वहाँ से जाके लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग लगती है तो आप इसको स्किप करके शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कांच का चूड़ा, मारवाड़ी चूड़ा, सिप का चूड़ा, डॉट वाला चूड़ा, डिफरेंट डिफरेंट चूड़ों के साथ साथ मैंने कांच की चूड़ियों के सेट सिखाया है। लहंगे, साड़ी, सूट, गरारे, शरारे, ब्राइडल और नॉन ब्राइडल सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट लुक लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि करवा चौथ और वेडिंग स्पेशल ह्यूज कलेक्शन मेरे चैनल पर मिलने वाला है। क्योंकि मैंने अभी से ही कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया है करवा चौथ वेडिंग स्पेशल के लिए। न्यू से न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को डिजाइन सिखाने वाली हूँ, प्लस वेलवेट के प्लेन बैंगल्स के साथ किस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं और न्यू से न्यू स्टाइलिश आप करवा चौथ पे चूड़ियों का सेट वेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड जो बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल पे सेलेक्ट करना है ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो लेकर आऊँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता, या लॉन्ग का भी नहीं मिलता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जिससे मुझे पता चल सके आप लोगों के लिए पास नोटिफिकेशन पहुँच रहा है या नहीं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट नहीं करा तो नहीं पहुँचेगा। अगर आपने कर लिया है उसके बाद भी नहीं पहुँच रहा तो मुझे ज़रूर बताना। देख सकते हो कितना प्यारा सेट बन के रेडी हो गया है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और मुझे ये भी बताना आप लोगों को इन सभी सेट में से कौन सा सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे मेरा एक माइंड सेट रह कहता है कि आप लोगों को किस तरीके के और डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। मैंने वेडिंग स्पेशल के लिए मेहंदी और हल्दी फंक्शन के स्पेशल वीडियो शेयर करी है आप लोगों के साथ। आप ब्राइडल और नॉन ब्राइडल हल्दी मेहंदी फंक्शन में किस तरीके से मल्टी प्लेन बैंगल्स के साथ कलरफुल डिज़ाइनर चूड़ियों का सेट बना के पहन सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही डाली है, थंबनेल देखकर आप पहचान लेंगे। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको किस कलर कॉम्बिनेशन का कंट्रास्ट का और वीडियो देखना है मुझे उसका भी बताना ताकि मैं उस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी ये सब वीडियो अपलोड करती हूँ। इसके लिए और ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर आप मुझे कलर कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट डिसाइड करके बताएंगे तो। ये मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ सारी पे सभी कंट्रास्ट सभी डिज़ाइन, क्योंकि जो मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन या किस तरीके का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चल रहा है मैं उस तरीके का शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो में सेट बना के अपलोड करती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन रेड का कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा सुंदर है। मैंने गोल्डन सिल्वर वाला लिया है जिससे इसे पूरे सेट को हाईलाइट होकर नज़र आ रहा है। ब्राइडल के लिए मैरून कलर का चूड़ा, कांच का, रेड कलर का चूड़ा, वाइन कलर का चूड़ा, पिंक कलर का चूड़ा, इतने सारे चूड़े बनाए हैं कांच के स्पेशली। और मैंने लहंगे के लिए भी, ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हैं कि आप किस तरीके से पहन सकते हैं, हैंगिंग वाले कंगन के साथ, डॉट कंगन के साथ, वेलवेट की चूड़ियों के साथ, नग वाली चूड़ियों के साथ, जर्किन की चूड़ियों के साथ, इतना सारा कलेक्शन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है मैं तरीके का कॉन्टेंट अपने चैनल पर हमेशा शेयर करती हूँ। अगर आपको बिल्कुल ही स्टेप टू स्टेप सीखना है कि आप किस तरीके से चूड़ियाँ लगा सकते हैं तो आपको उसको जाके मेरी अदर वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताया है कौन सी बैंगल्स कहाँ लगा के किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं या एक ही बैंगल सेट के अंदर कितनी बैंगल सेट और ऐड करनी है जिससे न्यू लुक क्रिएट होकर नजर आएगा। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आप लास्ट तक एंजॉय कर लीजिए। जो आपको सेट अच्छा लगे आप वो बना के पहन सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है तो आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में इसी पैटर्न को लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड सपोर्ट।